गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों देख सकते हो आपके सामने ये दो बॉक्सेस जिसमें कि है बहुत ही प्यारे क्यूट क्यूट से ट्रॉली बैग। तो इन दोनों को चलिए आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं और इनमें से कौन सा सबसे अच्छा है वो आपको बताते हैं, सबकी क्वालिटी कैसी है सब कुछ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो यार इसको नीचे रखते हैं और इस बॉक्स को ओपन करके दिखाते हैं। ये प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से मंगाया है और आपको रिव्यू करके बताने वाली हूँ कि कैसा होने वाला है। पैकेजिंग तो यार काफी सही है और ये देखो वाओ काफी प्यारा सा क्यूट सा हमारे सामने ये ट्रॉली बॉक्स है। देख सकते हो सी सेल के शेप में है, जैसे मोती निकलती है ना वो वाला शेप में है। तो ये तो हो गया एक, दूसरे वाले को भी अनबॉक्स करते हैं। ये आ गया सेकंड प्रोडक्ट। इसकी पैकेजिंग मुझे थोड़ी सी यार अच्छी होनी चाहिए थी, बाकी तो ऐसे कुछ टूटा फूटा नहीं आया, ये अच्छी बात है। ये हमारा अनबॉक्स हो गया है आपका पिंक वाला प्रिटी प्रिटी सा ट्रॉली बॉक्स। दोनों ही ट्रॉली बॉक्स एक से बढ़कर एक है। सबसे पहले आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं कि इसका लुक कैसा है अंदर में। ये देखो यहाँ पे नॉर्मली दो चैन है, इसको आपने ओपन किया और ये आपका 180 डिग्री ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको छोटा सा सामान रखने के लिए, देखो यहाँ पर भी आपका पाउच टाइप का है जिसमें आप सामान रख सकते हो। अदर देन दैट यहाँ पर भी आपका ये लॉक एंड लॉक वाला मिल जाता है, इसमें कि आप अपना कपड़ा मतलब अपने बच्चों का कपड़ा वगैरह रख करके लॉक कर सकते हो, इधर से उधर कपड़ा हिलेगा नहीं। इसके अंदर जो यार क्लॉथ की क्वालिटी है काफी अच्छी है। अंदर में देखो अमेरिकन टूरिस्टर का यहाँ पर कपड़ा लिखा हुआ है, मतलब ब्रांडिंग अमेरिकन टूरिस्टर की है। बाय द वे अगर क्वालिटी की बात करो ना तो यार क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, आवाज भी आप सुन सकते हो। ये पॉलीकार्बोनेट का आपका मटेरियल है। एक सिंगल चैन ही था तो इस चेन को हमने बंद कर दिया। व्हील्स की बात करूं तो देखो नीचे में आपका टोटल 8 व्हील्स आपको देखने को मिल जाते हैं और व्हील्स बहुत ही स्मूथ है। अदर इसके अलावा यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। एक ग्रैब हैंडल प्लास्टिक का बना हुआ है बट एक सिलिकॉन मटेरियल जो होता है ना वैसा वाला है, वो बहुत ही मजबूत है। और ये हमारा टेलीस्कोपिक हैंडल, तो यार छोटे बच्चों के लिए है तो छोटा सा टेलीस्कोपिक हैंडल दिया गया, आराम से आपके बच्चे जो है ना इसको लेकर के मूव कर सकते हैं बहुत ही इजिली। देखो ये मूव कर जाता है हर तरफ। अब दिखाते हैं आपको ये सेकेंड वाला बैग जिसका की ओवरऑल लुक देख लो। फ्रंट में आपको यहाँ पर एक प्रीटी सी डॉल मिलती है, पीछे साइड कुछ भी नहीं है, पीछे साइड नॉर्मल है। इसको अगर आपको ओपन करके दिखाएं तो ये भी आपका 180 डिग्री ओपन होता है और इसमें कुछ इस तरह से एरिया दिया हुआ है आपका सामान वगैरह रखने के लिए। 50-50 में आपका ये कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ये लॉक एंड लॉक जिससे कि आप सामान रख करके आराम से इसको लॉक कर सकते हो। तो ये तो हो गई अंदर की क्वालिटी की बात और कपड़ा वगैरह भी अंदर में अच्छा यूज हुआ हुआ है। बच्चों के लिए है तो सब कुछ बच्चों के हिसाब से ध्यान में रखते के लिए बनाया गया है। चेन की क्वालिटी अगर मैं दिखाऊँ तो चेन की क्वालिटी भी आपकी अच्छी है। इसके अलावा इस बैग में जो एक खास चीज है ना, ये है आपका ये लॉक। पिछले वाले में ये लॉक नहीं दिया गया था बट इसमें ये लॉक है जिससे कि आप आराम से लॉक कर सकते हो। यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है और इसमें भी आपका कुछ इतना बड़ा टेलीस्कोपिक हैंडल है। इसका टेलीस्कोपिक हैंडल बड़ा है, थोड़े से बड़े बच्चे जो है ना वो इसको यूज कर सकते हैं आराम से। लगभग जो 10 साल के बच्चे हैं, 11-12 साल के बच्चे हैं वो यूज कर सकते हैं। इसकी अगर आपको व्हील्स दिखाऊं तो व्हील्स भी देखो कितने ज्यादा स्मूथ है और इसमें भी टोटल 8 व्हील्स है। और इसमें एक और चीज यूनिक लगी ना मुझे कि ये वाला देखो, यहाँ बटन जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे ये निकल जाता है। तो जैसे बच्चे क्या होते हैं ना कि अक्सर इसको तोड़ते हैं, तो उसके लिए सही है कि आप आराम से इसको खोल करके कभी भी रिमूव कर सकते हो, लगा सकते हो, इजिली एक्सेसिबल है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की वेट की, क्योंकि अगर आप इसको एज अ ट्रैवलिंग पर्पस एयरपोर्ट वगैरह में ले जाना चाहते हैं तो वेट बहुत मायने रखता है। तो ये आ गया अपना वेटिंग मशीन। तो यहाँ पर इसका वेट देख सकते हो 1.8 केजीज है। पिंक वाला भी दिखा देते हैं वेट करके, तो पिंक वाला है 2.3 केजीज। तो दोनों का वेट आपने देख लिया। लेंथ एंड विड्थ आपको दिखाते हैं इस मेजरिंग टेप से मेजर करके। ये तो पूरा स्क्वायर फॉर्मेट में है, तो ये देखो लगभग 34-35 सेंटीमीटर आपका ये ऊपर से आ रहा है, इधर साइड भी वही है 35 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा स्क्वायर है सो दैट्स व्हाई। और इसका मैं यार कैसे दिखाऊं, लंबाई दिखाती हूँ पहले। तो लंबाई इसकी लगभग 32 सेंटीमीटर है और विड्थ इसका 38 है। हाइट वेट विड्थ सब कुछ दिखा दिया। अब बात कर ले दोनों की क्वालिटी की, तो दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। दोनों ही अलग अलग कंपनी से मैंने मंगाई थी क्योंकि दोनों बहुत प्यारी लग रहे थे मुझे। क्वालिटी वाइज दोनों बहुत अच्छे हैं। आपके बच्चों को अगर आप ये गिफ्ट करते हो ना तो यार उन्हें बहुत पसंद आने वाला है। वैसे आपको इन दोनों में से कौन सा पसंद आया मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। और अगर आप इसे लेना चाहते तो इसका बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर से चेकआउट करना। प्राइस मैं इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, आप डायरेक्ट उसी लिंक पर क्लिक करके चेक कर लेना, क्योंकि प्राइस जो है इसके घटते बढ़ते रहते हैं। तो डू चेकआउट, लाइक फॉर मोर।